एक बार की बात है, मगध राज्य के एक गांव में रहने वाला एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। तब किसी ने उसे बताया कि तुम गौतम बुद्ध के शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने चला जाता है। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वैसे ही उस किसान के जीवन में भी बहुत सी समस्याएँ थीं। उसने सोचा कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं से छुटकारा पाने का कोई तरीका बता देंगे जिससे उसकी समस्याएं रातों रात गायब हो जाएंगी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, बुद्ध, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूं। सब कहते हैं कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति आगे कहता है, बुद्ध, मैं एक किसान हूं। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास मेरी ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त ज़मीन नहीं है, और जितनी ज़मीन है मैं उसमें भी ठीक से खेती नहीं कर पाता हूँ। पिछले साल कम बारिश की वजह से मेरी फसल सूख गई थी, और इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से मेरी फसल खराब हो गई। और जब किसी साल ठीक ठाक फसल हो भी जाती है तो आवारा पशु मेरी आधी से ज़्यादा फसल खराब कर जाते हैं। वो ऐसे ही अपनी समस्याएँ गिनाता रहा और बुद्ध बिना कुछ बोले उसकी बातों को सुनते रहे। उसने कहना जारी रखा। उसने कहा, बुद्ध, मेरी एक पत्नी है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान कर देती है। तब मैं सोचता हूँ कि अच्छा होता अगर ये मेरे ज़िंदगी में ना होती। कभी कभी मैं उससे बहुत ऊब सा जाता हूँ। मेरे दो बच्चे भी हैं, दोनों ही बहुत संस्कारी और अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। फिर मुझे लगता है कि अगर ये ना ही होते तो अच्छा होता। ऐसे ही अपनी बहुत सी समस्याएं वो बुद्ध को बोलता रहा, और बुद्ध बिना कुछ बोले पूरे ध्यान से उसकी समस्याएं सुनते जा रहे थे। आखिरकार बताते बताते अंत में उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुपचाप बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कोई उपाय बताएंगे। लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले, और कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद उसने बुद्ध से कहा, मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। यह सुन किसान ने अचंभित होते हुए कहा, लेकिन आप तो सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, ये समस्याएँ तो सभी के जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई समस्या नहीं है। इन समस्याओं से तो हर इंसान घिरा है, और इन समस्याओं से कोई बच भी नहीं सकता। ये तो जीवन चक्र है, और इसमें ऐसा ही होता है, कभी अपने पराये लगने लग जाते हैं तो कभी कभी पराये भी अपने लगने लगते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा लगता है और कभी सब कुछ खराब लगने लगता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी बहुत दुखी। इस जीवन चक्र से कोई नहीं बच सकता, और ना ही कोई तुम्हें बचा सकता। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। असल में हम इंसानों के जीवन में 83 कठिनाइयाँ होती हैं, और इन 83 कठिनाइयों से हर इंसान दुखी है। तुम इन कठिनाइयों से बच नहीं सकते। अगर तुमने मेहनत करके किसी एक समस्या का समाधान कर भी लिया तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, तुम इनसे भाग नहीं सकते। और जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। आज जिन्हें तुम चाहते हो एक दिन वो भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये समस्याएं हमेशा रही हैं। आज से 1000 साल पहले भी ये समस्याएं ऐसी ही थीं, और 1000 साल बाद भी ये समस्याएं ऐसी ही रहेंगी। तुम इन समस्याओं को ख़त्म नहीं कर सकते, तुम केवल इनके साथ खुशी खुशी जीना सीख सकते हो। केवल यही तुम्हारे हाथ में है और कुछ नहीं। बुद्ध के मुँह से ऐसी बातें सुन किसान क्रोधित हो गया। वह कहने लगा, सब झूठ बोलते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हो, आप सबके दुखों का अंत कर देते हो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया था, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। फिर आप किस बात के महात्मा? मेरा आपके पास आना व्यर्थ रहा। आपसे अच्छे तो वो साधु थे जो 3 साल पहले मेरे घर पर आए थे, जिन्होंने मेरी समस्याओं के समाधान के लिए मुझसे यज्ञ करवाया, दान दिलवाया। इससे मुझे कुछ समय के लिए आत्मिक शांति भी मिली और कुछ दुख भी कम हुआ था, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, सीधे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म हो गईं? क्या तुम अब पहले से भी अधिक समस्याओं से घिरे हुए नहीं हो? जैसा कि मैंने कहा, ये दुख
कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते और आपको मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं मालूम? अगर आप इतनी छोटे छोटे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो फिर लोगों को उपदेश क्यों बांटते फिरते हैं? आपके उपदेशों का फिर क्या अर्थ? इतना कहकर वो किसान उठकर जाने लगा। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, 84वीं समस्या? ये कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो, और यही तुम्हारी सभी समस्याओं का कारण है। अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि जब तक हमारा जीवन है तब तक ये समस्याएं रहेंगी ही, तुम इनसे बच नहीं सकते, तो तुम इन समस्याओं से विचलित होना छोड़ दोगे। जीवन में समस्याएं होना स्वाभाविक है और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो, तुम्हारे जितना दुख और इस दुनिया में किसी को है ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या उनके जीवन में तुमसे कम कठिनाइयां हैं? अगर तुम उन लोगों से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि वो इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं। दुख छोटा हो या बड़ा, हर किसी को अपना दुख ही बड़ा लगता है। कोई भी किसी दूसरे के दुख के बारे में नहीं सोचता। अगर अगला इंसान हमारा सगा संबंधी है तब हम उसके दुख को थोड़ा बहुत महसूस भी कर लेते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आती है तो हम उस दुख से विचलित हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी कोई दुख नहीं होता तब हम दूसरों को उपदेश देते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा। तुम इतने दुखी क्यों होते हो? जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही समस्या हमारे सामने आती है तो हमें ये बातें समझ नहीं आती और हम उस समस्या के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। इसलिए मुसीबत जिस पे गुजरती है उसको ही बड़ी लगती है, बाकी तो हर किसी को दूसरों का दुख छोटा ही लगता है। तो यही है तुम्हारी 84वीं समस्या, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना रहे, और तुम्हारी यही चाहत ही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। अगर तुम जीवन को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो पाओगे कि जीवन दुखों और सुखों से भरा पड़ा है और तुम इसे बदल भी नहीं सकते, क्योंकि जीवन की बाहरी परिस्थितियाँ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुखी सुख हो तो ये संभव नहीं है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुखी दुख है तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो ये बिल्कुल संभव है। हम अपने जीवन में सुख और दुख को आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस सुख और दुख का हम पे कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम जरूर कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। यह सुन वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक ना समझ पाया था, आपने ये बात मुझे कितने सरल शब्दों में समझा दी, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और अब से कभी भी इन सुख और दुख के फेरों में पड़कर अपना कीमती जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।